मैं फ़र्स्ट टाइम ये सीप देख रहा हूँ, और इसके पहले मैंने रियल में कभी नहीं देखा था, है ना। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, हमने मोती झरना के बाद अब आ गया है बंदरगाह पे, जो गंगा नदी पे स्थित है, और अभी ये बन ही रहा है, ठीक है। झारखंड का एक ऐसा एकमात्र ज़िला है जो साहिबगंज यहाँ छूते हुए बहती है। तो फिलहाल हम आ चुके हैं साहिबगंज के ये बंदरगाह पे, और यहाँ कहा जाता है कि देश विदेश के जितने भी शिप हैं वो शायद यहाँ पे आएंगे और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और ये जो है अभी बन ही रहा है। तो चलो हम गाइस चलते हैं और गंगा के नदी के साथ साथ यहाँ के बंदरगाह को भी देखेंगे। ये फर्स्ट टाइम है हमारा, लाइव का फर्स्ट टाइम है ये बंदरगाह। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि बंदरगाह आखिर एक्चुअल में होता कैसा है। तो चलो चलते हैं। तो चलो गाइस, फाइनली मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे हमें दो गार्ड साहब मिले, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है अंदर पे अलाउ नहीं है, इसलिए मुझे जो है बगल से जाना होगा और इस रास्ते से मैं जाता हूँ और वहाँ से आपको दिखाने की पूरा कोशिश करता हूँ। तो चलो गाइस चलते हैं इधर को, और ये देखो गाइस, है ना। और यहाँ पे जो है ना वो सारे जो भी है, ये तो मुझे नहीं पता क्या है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बंदरगाह देख रहा हूँ। और यहाँ पे ये क्या है, शायद किन्हीं चीज़ों के लिए होगा, या फिर रेस्टिंग हो सके, या फिर जो भी हो ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी सामान हो रखने के लिए, वो गोदाम जैसा हो, जैसे हम लोग जानते भी हैं छोटे मोटी चीज़ पे कि गोदाम होता है, तो ये होगा पता नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं इस ओर से, और इस ओर से हम चलेंगे और देखेंगे कि ये फर्स्ट टाइम जो है हम जा रहे हैं ये बंदरगाह देखने को, ठीक है। तो एक्चुअल में बंदरगाह होता कैसा है, ठीक है। तो हमने तो फिल्मों में बहुत सारा देखा है, तो अभी अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखूँगा, तो ये फाइनली कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं गंगा घाट पे, और ये रहा सीप देखो, है ना। मैं फर्स्ट टाइम ये सीप देख रहा हूं, और इसके पहले मैंने रियल में कभी नहीं देखा था, है ना। और ये बेस्ट है, देखो ये इधर है बंदरगाह, और इधर से ही सारे जो हैं सीप उधर पे रुकेंगे, और उधर से जितने भी कुछ होंगे वो तो मुझे नहीं पता क्या क्या होने होता है वो बंदरगाह पे। मैंने क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, और फर्स्ट टाइम ये सीप भी है, उधर भी है, उधर भी है, देखो उधर भी बन रहा है ना। तो बहुत ही ज़्यादा, एक तो उधर शायद सीप है और एक इधर है ना। तो ये शायद हमें लगता है कि उस जगह पे रुकेंगी, और पता नहीं अब क्या होगा। तो ये है बंदरगाह, और ये है गंगा नदी, ठीक है, जो साहिबगंज को छूती हुई निकल जाती है। झारखंड का एक ऐसा मात्र ज़िला जो साहिबगंज, जो गंगा यहाँ से छूती हुई निकल जाती है। और भाई एक देखो, इधर से है ना कई सारे नाव है, 1, 2, 3, 4, और मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम ये देखा है ना। मैंने नाव जो है भागलपुर में भी देखा था, बट वहाँ जो था वो छोटा था, ठीक है, और यहाँ जो है थोड़ा कुछ ज़्यादा बड़ा है भाई। और वो जो सीप जो मैंने अभी पहले कुछ देर पहले आपको दिखाया, वो देखो कहाँ निकल गया। और उधर से देखो वो जो है, मुझे लगता है कि वो मेन स्टॉपेज है, वहीं पर सारे जितने भी सीप आएंगे उस जगह पे ठहरा होगा, या पता नहीं वो क्या है, क्योंकि हमें जो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रही है, तो मुझे जो है ना बाहर से ही बनाना पड़ता है, और मैं बाहर से ही जितना कुछ होता है ये दिखा देता हूँ। और ये रहा गंगा, तो बहुत विशाल है भाई गंगा, है ना, बहुत विशाल है। तो चलो और देखते हैं कि क्या हमें देखने को मिलता है। फाइनली गाइस, मैं आप नीचे उतर चुका हूँ, और ये रहा गंगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो कितनी विशाल है, और ये देखो मैं नीचे उतर रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा गंदा है यार। तो इधर से उतरने की जो है ना जगह है ही नहीं, तो डर सा लग रहा है, और पता नहीं कि उतर पाऊँगा कि नहीं। ये देखो गंगा, और वो देखो सेंटर बंदरगाह का, और इधर से सी, ये छोटे मोटे नाव है ना, इसकी मरम्मत भी हो रहे हैं शायद। तो चलो उस नाव को भी देखता हूँ मैं जाके। तो चलो भाई आया हूँ, तो थोड़ा पानी को भी टच कर लेता हूँ। ये हमारी संस्कृति की धरोहर माँ गंगे तेरी का। तो देखो ये है गंगा रिवर, ठीक है, द होली रिवर ऑफ गंगा, ठीक है। देखो बहुत कुछ बह रहे हैं, और ये देखो वो नाव, ठीक है। तो एक्चुअली मैं ना वो वाला सीआईडी पे ज़्यादातर देखता हूँ, वो वाला जो बंदरगाह है मुंबई पे, वो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, और हमने फर्स्ट टाइम लाइफ में ये रियल भी देखा, ठीक है। और देखो ये जो है ना साइड पे ये बोरी दे दिया है, पता नहीं इससे शायद इससे जो है ना वो मिट्टी ना खरके, और इधर से वो घाट है, देखो ऊंचाई से मैंने उधर से आया और इधर पे आया हूँ। देखो कितने मस्त भाई, डर भी लगता है कि कहीं खरक जाऊँ, तो बस
तो चलो भाई मैं ना अब वहाँ जाके वो नाव को देखता हूँ कि इसकी बनावट जो है कैसा है और बनाया गया आखिर एक्चुअल में बनाया कैसा है उसे। तो बहुत ही नज़दीक है तो चलो चलते हैं उसको और थोड़ा देखते हैं उसको भी। तो देखो एक अंकल ना अभी इन यहाँ इन्हें जो है मरम्मत कर रहे हैं और ये पटरी है ना पूरा लकड़ी है, लकड़ी का लकड़ी है ना पूरा जो है लकड़ी का, इस पे पेंट भी है, न्यू पेंट है। और मैं ना वो चलो उस नाव पे जाता हूँ और देखता हूँ उस नाव का मज़ा क्या है। तो चलो भाई मैं चल रहा हूँ। तो देखो भाई ये है नाव और ये सीढ़ी, ठीक है, और इसी से मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और इससे जो है ना शायद माल उल ढोते हैं भाई, बहुत ज़्यादा गिट्टी भी है और डर भी लग रहे हैं। देखो इस पे ना मैं चढ़ रहा हूँ और ये मैं आ रहा हूँ और ये देखो इस रास्ते से है ना ये बांस का है बना हुआ है और इसी से मैं चढ़ा हूँ और देखो भाई ये मैं इस पे आ गया है ना और इस पे जो है ना बहुत ज़्यादा गिट्टी ही ढोते हैं शायद। और देखो ये शायद है जो है ना इससे शायद फंसाते हैं भाई, देखो ठीक है। और देखो भाई ये है इससे जो है वो गिट्टी उट्टी ढोते हैं, ये माल ढोते कह सकते हैं कि पूरा वो सामान ढोने के लिए है जैसे ट्रक हैं वैसे हैं। और यहाँ देखो ये गंगा है और इसी पे ये खड़ा है भाई, इसे जो है ना अभी ठोक के खड़ा कर दिया गया है। और ये देखो अरे भाई मुझे तो डर भी लग रहा है। और ये देखो ये क्या भाई, देखो ये सारे क्या हैं, अत्ते ओहो देखो अरे इतने इसी ये इसके अंदर देखो जनरेटर है ना जनरेटर, वाओ। और इधर पे क्या है भाई, इधर पे देखूं क्या, इधर इंजन है, अरे देखो इधर भी है इंजन है ना, वाओ। देखो ये तो घसक भी रहे हैं भाई। तो देखो मुझे देख के ना कितने सारे बच्चे आ गए, पता नहीं इन लोग इनके माइंड में क्या है कि पता नहीं ये सोच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो देखो सबके चेहरे पे ना हैप्पीनेस है, देखो है ना, एक उधर से है और एक उधर पे भी है, एक छोटी इधर है ना, देखो हाय कर दो, हाय। देखो कितने सारे हैं, देखो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये भाई हमने फर्स्ट टाइम देखा ये नाव और इस पे मैंने चढ़ के भी देखा, इसके पहले मैंने कभी देखा भी नहीं था। और सीन तो काफ़ी अच्छा है यहाँ का, और इधर देखो बंदरगाह है ना, तो काफ़ी अच्छा लगा इधर पे आके। और उधर पे देखो कितने सारे हैं, उधर पे भी बड़े सीप हैं भाई, कितने बड़े सीप हैं देखो है ना। तो ये जो है बंदरगाह है और यहाँ पे जो है ना देश विदेश के जितने भी सीप हैं वो आ सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गिट्टी सामान जितने भी हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। एकमात्र ऐसा बंदरगाह है झारखंड में जो यहाँ से सारा कुछ ले सकते हैं, ठीक है ना। और इनका जो अभी ना ये निर्माण कार्य भी चल ही रहा है और फाइनली तौर पे भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और भी आते हैं सारे, हाँ, और भी आते हैं। अच्छा सुकरटिया में, कहाँ पे सुकरटिया, सुकरटिया में। और ये सारे क्या करते हैं, गिट्टी ले जाते हैं सारे। अच्छा देखो कितने कितने हैप्पीनेस है भाई है ना। तो उस पे चलूं, उस पे उधर पे रास्ता है वो जाने को। तो भाई एक सीप ना उधर भी है तो कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि उधर भी जाने की रास्ते हैं तो उससे भी मैं चाहता हूँ ना। तो चलो चलते हैं। और वो सीप जो है ना मैं फर्स्ट टाइम जो है नज़दीक जाके देखूंगा है ना। तो भाई मैं सोच रहा था कि वो सीप देखने जाऊँ बट जो है वो जो है ना बहुत दूर था और बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा शैतानी कर रहे थे तो इसकी वजह से मैं गया नहीं। आई होप कि गाइस आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आता है ब्लॉग को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल में पहली बार है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाला कोई भी जो ब्लॉग है गाइस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक।